नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक सुंदर सुंदर फूलों वाला पौधा लेकर आया हूं और इसी पौधे के फायदे के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस पौधे के फायदे जानने से पहले आप इस पौधे को ठीक से देख के पहचान लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग इस सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे को देखे होंगे और इसके नाम को जानते होंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप इस फूल के पौधे का नाम नहीं जानते हो तो मैं आपको इस पौधे का नाम बताता हूँ। बड़ा प्यारा नाम है इस पौधे का। इस फूल का नाम है दिया और बाती। नाम सुनकर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि भला किसी पौधे का नाम भी दिया बाती हो सकता है। लेकिन दोस्तों, नाम सुनकर चकित मत होना। हाँ, सच में इस पौधे का नाम दिया बाती है और उसका साबूत यह है कि इस पौधे का जो फूल है उसे आप ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। नीचे के हिस्सा दिया के जैसा है और फूल के ऊपर जो केसर निकला है उसका डिजाइन बाती के जैसा है, इसलिए इस फूल के पौधे का नाम है दिया बाती। इस पौधे को लोग घर के आसपास सजावट के रूप में लगाते हैं। इसके फूल लाल लाल होते हैं जो कि आप देख रहे हैं और इस पौधे की ऊंचाई करीबन 2 फुट से लेकर 3 फुट तक बड़ा से बड़ा होता है। इसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं, उन पत्तों के किनारे किनारे थोड़े कटे कटे से दिखाई देंगे, जैसे नीम के पत्तों के कटे हुए रहते हैं डिजाइन, उसी तरीके के। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों इस दियाबाती के पौधे को। तो आओ, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को भली भांति पहचान चुके होंगे। तो अब हम इस पौधे के थोड़े फायदों के बारे में भी जान लें कि इस पौधे के अंदर क्या क्या आयुर्वेदिक औषधि फायदे हैं। तो हाँ दोस्तों, इसके सुंदर सुंदर लाल फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर पीसकर शहद मिलाकर और फिटकरी का पाउडर मिलाकर अगर चेहरे में मसाज करते हैं तो चेहरे का रंग गोरा होता है और चेहरे में होने वाले दाना फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर किसी को घाव हो, बंद मुंह का फोड़ा हो, तो इसके पत्तों को तोड़कर उड़द के दाल में मिलाकर पीसकर पत्थर के सिल में जो पेस्ट तैयार होगा उसे आप बंद मुंह के फोड़ा के ऊपर लगा दीजिए। तो जब तक यह दवाई फोड़ा को फोड़ नहीं देगा, अंदर का पीप मवाद निकाल कर बाहर कर नहीं देगा, घाव को सुखा नहीं देगा, तब तक यह फोड़े का मुंह नहीं छोड़ेगा। इतना चमत्कारी जड़ी बूटी पौधा है यह, जिसे दियाबाती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस फूल के और भी फायदे हैं, लेकिन एक ही वीडियो में फायदा बताता हूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लोग देखते नहीं हट जाते हैं, इसलिए हम इसके फायदों के बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे। आज की जानकारी बस इतना ही। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।